अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल कॉस्मेटिक कॉस्मेटिक। एक और नए कॉस्मेटिक प्रोडक्ट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ और वो है डॉक्टर रशीद की विटामिन सी नाइट क्रीम। विटामिन सी नाइट क्रीम कुछ इस तरह की पैकिंग में होती है और ये आपको इतना कन्वीनियंट प्राइस में मिल जाती है 950-850 तक की रेंज में है। ये विटामिन सी क्रीम है, ये आपको ब्राइटनिंग देती है, एंटी एजिंग के लिए बेस्ट होती है, नाइट क्रीम है और ये कंटेन करती है नाइसिनमाइड, प्रोमोटिंग कोलेजन प्रोडक्ट दैट अचीव अ रेडियंट अपीयरेंस। ठीक है, तो ये सारे इन्होंने यहाँ पे बेनिफिट्स रखे हैं। ये आपकी एंटी एजिंग के लिए, ब्राइटनेस के लिए होते हैं। नाइसिनमाइड ये आपके लिए होता है विटामिन बी, जो कि आपके स्किन के लिए बहुत ही ज़बरदस्त एक विटामिन होता है जो आपको ब्राइटनिंग देता है, एंटी एजिंग के लिए बेस्ट होता है। ठीक है, तो ये सारे यहाँ पे अरबी में लिखा हुआ है। यहाँ पे इसके बेनिफिट्स है कि ये कंटेन करता है एक पावरफुल कम्बिनेशन ऑफ विटामिन सी, ठीक है, और ये कोलेजन न्यूट्री विटामिन इसके अंदर है जो कि ट्वाइस एज हार्ड टू रिपेयर योर स्किन ऑन द आउटसाइड वाइल री जनरेटिंग इट डीप इनसाइड। क्योंकि नाइट क्रीम में जब रात भर आपकी स्किन पर लगी रहती है तो अंदर पेनिट्रेट होकर आहिस्ता आहिस्ता वर्किंग कर रही होती है, ऊपरी तौर पर भी आपको वर्किंग कर रहा होता है, आपको सारे जो बेनिफिट्स है एंटी एजिंग से रिलेटेड या डार्क स्पॉट से रिलेटेड उनको दूर कर रहा होता है, सही रात आपके फेस पर लगा रहता है तो वो अंदर से आपके स्किन के लिए वर्किंग कर रहा होता है। विटामिन सी बहुत एसेंशियल होता है हमारी बॉडी के नेचुरल कोलेजन के लिए और जो कि हमारे लॉस ऑफ नेचुरल कोलेजन को कवर करता है। अगर आपका लॉस ऑफ नेचुरल कोलेजन होगा तो उसका रिजल्ट में आपके फेस पे फाइन लाइन आएंगे, रिंकल्स आएगा, आपकी स्किन सैगिंग होगी और अचीव अ रेडिएंट अपीयरेंस विद द डेली यूज ऑफ रिवाइटलाइजिंग नाइट क्रीम। यानी कि आपको ये सारी प्रॉब्लम दूर करनी है तो ये डेली आपने यूज़ करनी है। ठीक है, सारी चीज़ें इसमें हो गई। इसके अंदर वार्निंग है कि बच्चों की पहुँच से दूर रखें और ये नाइट क्रीम। ये इसके ऊपर की पैकिंग थी, इसके बेनिफिट्स थे, इसमें क्या क्या है, यहाँ पे सारे इंग्रेडिएंट पूरे डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, इनको गूगल भी कर सकते हैं, इनसे रिलेटेड अपने आपको नॉलेज भी दे सकते हैं। और इसकी एक्सपायरी है, इसके बैक साइड पर लिखी होती है 2025 की एक्सपायरी, कम अज़ कम 3 to 4 ईयर्स इनकी एक्सपायरी होती है। 25 की मैन्युफैक्चर है, 25 की इसकी एक्सपायरी है। अंदर से इसकी इस तरह पैकिंग में होता है, कांच की बॉटल होती है, बहुत ही खूबसूरत सी ऑरेंज में और देखने में बहुत क्यूट सी, और इसकी फ्रेगरेंस भी बहुत कमाल की होती है, बिल्कुल लाइट लाइट सी जैसे ऑरेंज की फ्रेगरेंस होती है वैसी होती है। सिल्वर का लेड है और यहाँ पे अंदर इसकी ये पैकिंग है, जो कुछ बाहर लिखा हुआ है वो सारा अंदर भी लिखा हुआ है। विटामिन सी जो है, अब देखिए हम विटामिन सी क्यों यूज़ करते हैं। बहुत सारी क्रीम्स होती हैं, आपको मिल जाती हैं, राइस क्रीम है और भी ढेर सारी क्रीम्स हैं, लेकिन विटामिन सी हम क्यों यूज़ करते हैं। विटामिन सी जो होता है आपकी एंटी एजिंग पे जाता है, विटामिन सी एंटी एजिंग पे जाता है, या फिर अगर आपके एंटी एजिंग नहीं भी है, इवन के अबव 20 गर्ल्स भी एंटी विटामिन सी यूज़ कर सकती हैं अगर उनके फेस पे एज इफेक्ट आने लगे हैं, सनबर्न हो रहा है, बहुत ज़्यादा सन एक्सपोजर में रहते हैं, सनबर्न हो रहा है, इसके अलावा वो अपने स्किन केयर नहीं करती, डिहाइड्रेशन का शिकार है फेस पे और पानी की कमी है, डिहाइड्रेशन है, या फिर आप जो हैं अपने बहुत ज़्यादा ड्राइनेस की वजह से अगर आप अपने मॉइस्चराइजर यूज़ नहीं करती, स्किन केयर नहीं करती, तो इससे स्किन पे पैचेस आने लगे, फाइन लाइन आने लगे, टू टोन स्किन हो रही है, डार्क स्पॉट्स आ रहे हैं, तो ये सारे एंटी एजिंग साइंस होती हैं जिसका आपको क्योर करनी पड़ती है। अगर नहीं करेंगे तो बहुत वक्त से पहले आपकी स्किन बिल्कुल डल, डैमेज और ड्राई और डेड हो जाती है, स्किन डेड स्किन के जो पैचेज होते हैं वह स्किन पर आ जाते हैं और आप वक्त से पहले काफ़ी अपने एज से काफ़ी बड़े दिखने लगते हैं। तो इन सारी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखे, सिर्फ एक नाइट क्रीम लेने, अगर आप इतनी ज़्यादा केयर नहीं कर सकते फेस वॉश के बाद रात को सोने से पहले नाइट क्रीम, ये देखें लाइट टेक्सचर है और इतनी जल्दी एब्जॉर्ब हो गई है, और फ्रेगरेंस इसकी बहुत ही स्वीट सी ऑरेंज जैसी है, ये आपकी एब्जॉर्ब हो गई, फेस वॉश किया, ये क्रीम लगाई हल्के हल्के हाथों से, अगर अच्छे रिजल्ट चाहिए तो सर्कुलर मोशन में अपवर्ड डायरेक्शन में आपने इसे अप्लाई करना है, और अप्लाई करने के बाद 2 मिनट तक, 2 सेकेंड या 30 सेकेंड जब मसाज करें, जब ये अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए तो सो जाए। इसका मॉइस्चराइजर बहुत अच्छा, सर्दियों के लिए बेस्ट क्रीम हो सकती है। अच्छा, इसकी डे क्रीम में ये प्रॉब्लम होता है कि वो बहुत ड्राई होती है और आपके स्किन पे बिल्कुल फाउंडेशन की तरह स्टिक हो जाती है, जिनका स्किन टेक्सचर वाइट नहीं है तो उसके ऊपर उनके फेस पे ऊपर से लगी हुई काफ़ी ऑकवर्ड लगती है। इस वजह से डे क्रीम के कोई खास बेनिफिट्स भी नहीं है, बस वो आपके फेस पे एज अ फाउंडेशन स्टिक हो गई, वॉश किया तो वॉश अप हो गई। अगर आप उसे महीनों भी लगाएं तो इससे ज़्यादा उसका कोई रिजल्ट नहीं है कि एज अ फाउंडेशन स्टिक हुई, वॉश किया वॉश अप हो गई। लेकिन ये नाइट क्रीम काफ़ी अच्छी है, आपको एक तो फौरी मॉइस्चराइजर भी दे दिया, और मॉइस्चराइजर वैसे ही आपकी स्किन के लिए ज़रूरत है, हमेशा कोशिश किया करें फेस वॉश के बाद एक मॉइस्चराइजर यूज़ करें। अब बात करते हैं आपने इसे कब यूज़ करना है। डॉक्टर रशीद की प्रोडक्ट आप जब भी यूज़ करें तो थोड़ा सा गैप देकर यूज़ किया करें, 15 दिन यूज़ करें फिर स्टॉप हो जाएं, 2-4 दिन 3 दिन यूज़ करें फिर 1-2 दिन स्टॉप हो जाएं, क्योंकि ये जो है प्रोडक्ट पर्सनली मैंने काफ़ी यूज़ किया, इसके सीरम वगैरह जिस तरीके से डायरेक्शन से कहा जाए वैसे यूज़ करें। इसके सीरम मैंने यूज़ किया था तो शुरू में मुझे 3-4 दिन बहुत फ़ायदा किया, उसमें दिन में एक ही दफ़ा यूज़ करना, तो मैंने 2-3 दफ़ा यूज़ करने लगी थी कि मैं ओपन पोर्स थे तो वो स्किन मेरी बर्न हो गई। तो जिस तरीके से इसके कहा जाए फिर आप उसी तरीके से यूज़ करें, ये मुझे सूट कर रही है।
लेकिन ये मेरी सिस्टर को बिल्कुल भी सूट नहीं करती। वो जब भी यूज़ करती है उसकी स्किन पे ब्लैक पैचेस आ जाते हैं और ब्लैक ब्लैक धब्बे पड़ने लगते हैं। तो ये लाजमी नहीं है कि ये अगर किसी एक को सूट करे तो सबको सूट करे। तो आप पहले इसे थोड़ी सी अमाउंट में लगा के देखें, ट्राई करें, अगर आपको सूट करे तो मोस्ट वेलकम, और अगर आपकी स्किन को सूट नहीं कर रही तो आपने इसे स्टॉप कर देना है। लाजमी नहीं है कि आपने ज़बरदस्ती इसे लगा। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।